साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच में। और आज भाइयों अपने खेत पर आए हैं। भाइयों इसमें जो है हमने रोटावेटर के द्वारा आज कार्रवाई शुरू करी है, तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा इसकी हमने खुदाई करी। और ये जो पड़ी है भाइयों, इस पर देख लो मोथा और घास जो है, अगर मैं इसमें ये नीचे मैंने फावड़े से खुदाई करवा दी इसमें, ये देख लो। और भाइयों ऊपर जो पड़ी पर मोथा है, अगर मैं इसका पानी दे देता एक, तो ये कब्जे में नहीं आता। तो रोटावेटर के हमने भी ब्लेड खोल ले। कल मैंने मनोज भाई की वीडियो डाली थी, वे पिछले 3-4 वर्षों से कर रहे। तो भाइयों देखो, एक फेरा मैंने ला के देखा, मैं आपको क्लियर दिखाना चाह रहा हूँ। 4 इंची जगह लगभग ये होगी, और अगर सेंटर में आप चलाओगे तो दोनों तरफ में पोए के बराबर में 3-3 इंची जगह अब भी बच जाएगी। और मट्टी बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही, ये मट्टी जो है यहाँ कहीं भी लो रहा है बिल्कुल, जरा सी भी, तो आपके ब्यांत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। और ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगा भाइयों, एक बार रोटावेटर से बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा एक भी पोए का। दोहरे पे आप 3 खुड़ निकाल लें। और भाइयों इस पर भान इतना कैड़ा हो गया इस गूल पे, बाकी इस पे 2 पानी में तो अभी कुछ जमने का मतलब ही नहीं। और बाकी इससे बाद में होगा तो हम इसमें टीलर भी निकाल सकते हैं, या और रोटावेटर एक बार और अभी निकाल सकते हैं। तो ये देख लो, बिना जोती वाई गूल है और ये जोती वाई गूल है। मैं आपको भी ट्रैक्टर दिखाना चाहूँगा, रेस दे लो पूरी, बैक में लग रहा। तो देखे भाइयों, हमने भी रोटावेटर फान कल कार्रवाई करी इसमें। भाइयों मट्टी नहीं बिल्कुल भी बीच मारी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। तो इसके लिए भाइयों मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, हमारे गांव में भी बहुत से भाइयों ने 42 में बोया, तो देखो 42 इंची पे है, 40 पे तो ये चल नहीं पाने का 7 फुट रोटावेटर, उसमें तो 6 फुटे में जुगाड़ देखना पड़ेगा कुछ। बाकी का 48 इंच पे अगर आप बोरे हो तो बिल्कुल कामयाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये जो बीच की पड़ी है भाइयों, इस पर इतना कैड़ा भान बन गया, और ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ रहा, अपना महिंद्रा 585 चला रहा है। पापा जी ट्रैक्टर चला रहे हैं भाइयों, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भाइयों एक कमी मैंने कर रखी इसमें, इतना देखो मैं बताना चाहूँगा, मैंने धोरे पे खूड़ निकाले थे, मैं पावर टीलर की वजह से धोरे पे खूड़ निकाले, लेकिन इसमें 3 खूड़ धोरे पे होने चाहिए, जिससे हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल आसानी से धोरे के खूड़ में भी चला जाए। बिल्कुल अलग बच रहे हैं। तो भाइयों इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक तो धोरे पे खूड़ काटने, जो हमारे से कमी हुई अब की बार में 3 खूड़ तो हमें धोरे पे काटने दोनों साइडों में। और जिस भाई ने 42 इंची में बुआई करी, देखो चौड़ाई से बिल्कुल दिक्कत ना मानना, अगर बड़े कृषि यंत्र से काम करना, 7 फुटा रोटावेटर आपके पास में है तो 48 इंच से कम ना करें, 48 इंच सबसे अच्छी है, ना कम है ना ज़्यादा है। भाइयों बहुत ही गजब का कार्य है, देखो हम तो खेत में डर रहे थे बिल्कुल, अब ऊपर की पड्डी का क्या होगा, लेकिन हमें तो ये जुगाड़ बहुत अच्छा लगा। भाइयों मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देख लो खेत में बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा था, ऊपर का जो खरपतवार है वो इसकी वजह से।
और इधर जो जुताई होगी मैं आपको इसे दिखाना चाहूँगा एक बार, जुताई हुए हुआ है मैं आप देख लो, जी लग गया खेत में, कुछ लग रहा कहाँ काम हुआ। तो भाइयों इस तरीके से अपने गन्ना किसान जो है अपने बड़े कृषि यंत्रों द्वारा अपनी खेती कर सकते हैं, और मैंने अपने बड़े कृषि यंत्रों के बलबूते पर ये खेती करूँगा और आपको पूरा आगे इसमें कार्रवाई भी दिखाऊँगा। सारी कार्रवाई इस खेत की मैं दिखा रहा हूँ आपको, खुदाई से लेकर बुआई से लेकर सब कुछ, और आज ये रोटावेटर के द्वारा भी काम करके पूरा मैंने दिखा दिया आपको। तो भाइयों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।